चलिए अब चौथा टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम रेडॉक्स रिएक्शंस के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शंस टाइट्रेशंस में एज ए बेसिस कैसे यूज होती हैं। फिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे तथा उसके बाद हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन टाइट्रेशंस में कैसे यूज होती हैं। रेडॉक्स टाइट्रेशन एक मेथड होता है एक प्रकार का, जिस मेथड से हम रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट्स की एक रेडॉक्स सेंसिटिव इंडिकेटर की हेल्प से स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं। जैसे हम एक ब्यूरेट और फ्लास्क में एक ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट को लेते हैं और ब्यूरेट ऑन करके ऑक्सीडेंट को रिडक्टेंट के अंदर मिलाते जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और यह रिएक्शन एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब हम इसमें एक इंडिकेटर मिला देते हैं। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जब भी किसी रिएक्शन में केमिकली कोई चेंज होता है तो वो अपना भी कलर चेंज कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम इस ऑक्सीडेंट को रिडक्टेंट में मिलाते जाते हैं, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन कराते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ये जो ऑक्सीडेंट है वो इस रिडक्टेंट को ऑक्सीडाइज करता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा ऑक्सीडेंट जितना भी रिडक्टेंट उपस्थित था उस सारे रिडक्टेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है। उसके बाद जैसे ही हमारी नेक्स्ट ड्रॉप ऑक्सीडेंट की रिडक्टेंट के सॉल्यूशन में मिलती है, तो क्योंकि अब रिडक्टेंट तो शेष बचा नहीं है सॉल्यूशन में, तो ये जो ऑक्सीडेंट की ड्रॉप होती है ये जो हमने इंडिकेटर यूज लिया है उसको ऑक्सीडाइज कर देती है। और जैसे ही ये इंडिकेटर ऑक्सीडाइज होता है तो ये सॉल्यूशन का कलर बदल देता है और हमें पता चल जाता है कि इस पॉइंट पर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है या फिर यह इस रिएक्शन का एंड पॉइंट आ गया है। और एंड पॉइंट के पता लगने के बाद हम इस ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट के वॉल्यूम और कंसंट्रेशन संबंधित कैलकुलेशंस इजीली कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखते हैं जो मोस्टली रेडॉक्स टाइट्रेशंस में यूज होते हैं। तो पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। दूसरा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। और तीसरा हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो होता है मोस्टली आयोडीन विच इज I2। तो ये तीनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मोस्टली जो टाइट्रेशंस होती हैं रेडॉक्स रिएक्शंस की उनमें यूज आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। पोटेशियम परमैंगनेट एक डार्क पिंक कलर का लिक्विड होता है जो कि सेल्फ इंडिकेटर की तरह काम करता है, मतलब जब हम इसका यूज करते हैं टाइट्रेशन में एज ए ऑक्सीडेंट तो हमें बाहर से एक्सटर्नली कोई भी इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये खुद ही इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। इसका यूज कई रिडक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का पता करने में किया जा सकता है, जैसे कि Fe+2 और ऑक्सीलेट आयन। तो जब हम इस KMnO4 की रिएक्शन रिडक्टेंट से कराते हैं तो कुछ इस तरह की रिएक्शंस होती है। यहाँ ऑक्सीलेट आयन के साथ KMnO4 की रेडॉक्स रिएक्शन दिखाई गई है और जब ये रिएक्शन खत्म हो जाती है, मतलब इस रिएक्शन का एंड पॉइंट आ जाता है, तो उस एंड पॉइंट पर जो हमारा ऑक्सीलेट आयन है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो चुका होता है, मतलब पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका होता है। तब जैसे ही हम अगली ड्रॉप डालते हैं KMnO4 जो कि हमारा ऑक्सीडेंट है उसकी, तो वो अपना पूरा जो पिंक कलर है वो सॉल्यूशन में छोड़ देता है, जिससे कि हमको ये पता चल जाता है कि यह इस रिएक्शन का एंड पॉइंट आ चुका है। तो इस तरह से इस रिएक्शन में हमें बाहर से कोई भी इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि KMnO4 ने खुद ही इंडिकेटर की तरह रिएक्ट करके हमको रिएक्शन के एंड पॉइंट के बारे में जानकारी दे दी, इसीलिए हम KMnO4 को सेल्फ इंडिकेटर बोलते हैं। तो अब देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को। पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी हम रेडॉक्स टाइट्रेशंस में एज ए ऑक्सीडेंट यूज करते हैं, लेकिन यह पोटेशियम परमैंगनेट की तरह एक सेल्फ इंडिकेटर नहीं होता है और इसका यूज भी बहुत से रिडक्टेंट्स की स्ट्रेंथ पता करने में किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल Fe+2। अब क्योंकि यह एक सेल्फ इंडिकेटर नहीं है इसीलिए इस टाइट्रेशन के अंदर हमको एक एक्सटर्नली इंडिकेटर चाहिए होगा जो कि हमको इस रिएक्शन के एंड पॉइंट के बारे में बता सके। तो इस रिएक्शन में या इस टाइट्रेशन में जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं उस इंडिकेटर का नाम है डाइफिनाइलमीन या फिर
डाइफिनाइल बेंजीडीन। तो जैसे जैसे ये रिएक्शन होती जाती है, वैसे वैसे हमारा जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो सारे आयरन प्लस टू आयन्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब सारे Fe2+ आयन्स ऑक्सीडाइज हो चुके होते हैं, उस केस में जो हमारा इंडिकेटर है अब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जैसे ही हमारा इंडिकेटर ऑक्सीडाइज होता है, वैसे ही इस सॉल्यूशन का कलर इंटेंस ब्लू कलर हो जाता है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि रिएक्शन यहाँ ख़त्म हो चुकी है और यह रिएक्शन का एंड पॉइंट है। इसी तरह से हमारा अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयोडीन, आई टू। आयोडीन को हम पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि Cu2+ आयन मिलाकर ऑब्टेन करते हैं। तो जैसे ही हम पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाते हैं, तो हमारा जो आयोडाइड आयन्स हैं जो कि हमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से मिलते हैं, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं आयोडीन में। और जैसे ही हम इस आयोडीन के सॉल्यूशन में स्टार्च मिलाते हैं, तो इस सॉल्यूशन का कलर एकदम डार्क ब्लू हो जाता है। अब हमें हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन मिल चुका है, अब हम अपनी टाइट्रेशन शुरू कर सकते हैं। अब हम इस हमारे आयोडीन सॉल्यूशन की टाइट्रेशन हाइपो से कराते हैं, दैट मीन्स सोडियम थायोसल्फेट से कराते हैं। और इस टाइट्रेशन में स्टार्च को हम एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। और ये हमने अभी देखा कि जब हम स्टार्च को इस आयोडीन सॉल्यूशन में मिलाते हैं, तो इस सॉल्यूशन का कलर एकदम डार्क ब्लू हो जाता है। जैसे ये रिएक्शन होती जाती है, वैसे वैसे आयोडीन सोडियम थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज करता जाता है। और जब यह रिएक्शन ख़त्म हो जाती है, मतलब इस रिएक्शन का एंड पॉइंट आ जाता है, तो ये जो सॉल्यूशन था आयोडीन का, इसका डार्क कलर डिसअपियर हो जाता है और हमें इस रिएक्शन के एंड पॉइंट के बारे में जानकारी मिल जाती है। और इस पॉइंट पर हम इन ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट्स की स्ट्रेंथ संबंधित कैलकुलेशंस कर सकते हैं।